जी हाँ दोस्तों, फाइनली नेहा कक्कड़ और रोहन ब्रिज शादी के बंधन में बंध चुके हैं। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि नेहा कक्कड़ ने सचमुच शादी कर ली है, लेकिन जानते हैं उनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हिमांश ने क्या बयान दिया था जब उन्होंने शादी की खबरें सुनी थी नेहा कक्कड़ की। हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। 2018 में वे एक दूसरे से अलग हुए थे। हिमांश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें रोहनप्रीत और नेहा के बीच प्रेम काफी पसंद आया, लेकिन उनको इस बात की पता ही नहीं थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वह उनके लिए काफी खुश है। वह कहते हैं कि अगर नेहा वाकई में शादी कर रही है तो मैं उनके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि वह अपने जीवन में मूव ऑन कर रही हैं। उन्हें किसी का साथ मिला ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि वह कभी समझ नहीं पाए कि क्यों लोग नेहा की पोस्ट को उनके साथ जोड़ते थे, जबकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि वह हिमांश का जिक्र नहीं कर रही हैं। यानी मीडिया में जितनी भी अभी तक नेहा कक्कड़ कोई पोस्ट करती थी तो वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश के साथ जोड़ दी जाती थी। हिमांश आगे कहते हैं कि बिना किसी सबूत आधार के मीडिया में हर तरह ऐसी झूठी चर्चाएं हो रही थी। रिश्तों का जुड़ना और टूटना जीवन की एक सामान्य घटना है। कई दफ़ा लोगों को एक साथ रहते हुए पता चलता है कि वे एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है। रोहन प्रीत और नेहा कक्कड़ के लेकर इस बयान से हिमांश के साफ होता है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन दोस्तों, रोहन प्रीत के बारे में आपको जानकारी दे दी कि इससे पहले वो मुझसे शादी करोगे के स्वयंवर, जो कि शहनाज गिल का था, उसमें स्वयंवर में शहनाज गिल को इम्प्रेस करने की कोशिश करते नजर आए थे, लेकिन कोविड-19 के चलते उस शो को रोक दिया गया था। लेकिन अब नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत शादी के बंधने बन चुके हैं। 24 अक्टूबर को हमारे चैनल की तरफ से इनको ढेरों शुभकामनाएं। नेक्स्ट 9 लाइव्स दीपक की रिपोर्ट।